अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक चॉकलेट ब्राउनीज़, वो भी हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। ये ब्राउनीज़ अवन से ज़्यादा अच्छी बनती हैं और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसके साथ मैं आपको इसके ऊपर जो चॉकलेट सॉस डली हुई है इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगा। ये भी बहुत आसान है, इसको भी मैंने माइक्रोवेव में ही बनाया है सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में। और ये बहुत ही ब्राउनीज़ सॉफ्ट, टेस्टी और यमी बनती हैं। और आप इसको सॉस को आप सेव भी करके रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और इस ब्राउनी को भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 3 ड्राई इंग्रेडिएंट हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, सबके घर में अवेलेबल होते ही हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 5 लार्ज टेबल स्पून मैदा। आपने टेबल स्पून लेना है, लार्ज बड़े भर भर के चम्मच लेने हैं आपने मैदे के। और उसके बाद उसको छान लेना अच्छे से ताकि इसके अंदर एयर बनी रहे। इसको छानने के बाद हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी हम छान लेंगे। बेकिंग पाउडर से हमारी ब्राउनीज़ केकी बनेंगी। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। मैं यहाँ पर थोड़ी सी केकी ब्राउनीज़ बना रहा हूँ इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो आप भी बेकिंग पाउडर डालेंगे तो थोड़ा केक केक जैसा टेस्ट आएगा। इसके बाद आप इसको फेंक दीजिएगा, जो भी नम्स निकले हैं कोको पाउडर के। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखें यहाँ पर हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको साइड में कर लेंगे और अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जिस डिश में हम अपनी ब्राउनीज़ को बेक करेंगे उसी के अंदर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप दूध। अगर आपके पास 1/2 कप नहीं है हो तो आप 8 टेबल स्पून ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून पाउडर शुगर लिया। मैंने चीनी को ग्राइंडर में पाउडर कर दिया था और वो डाल लिया। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया ताकि ये दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आप पाउडर शुगर नहीं ले रहे हैं तो आप दूध के अंदर ऐसे डाल के माइक्रोवेव कर लेगा ताकि दूध गर्म हो जाए, तो चीनी को मिक्स करने में आसानी होती है। इसके बाद 1/4 कप ऑयल ले लिया है। अगर 1/4 कप ना हो तो 4 टेबल स्पून ले लिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस, चाय का चम्मच 1 टीस्पून होता है वो ले लिएगा। इसके बाद आप इसको अच्छे चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हो चुके हैं। अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम वेट इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और 2 बैचेस में करके डालना है। हमने पहले 1 दफ़ा डालना है, उसको अच्छे से विस्क की मदद से विस्क कर लेना है। यहाँ पे आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप पहले बैच को अच्छे से मिक्स कर लें तो यहाँ पर दूसरी दफ़ा में जितना भी बचा आप सारा डाल दें। सारा डालने के बाद अब इसको हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैदा बिल्कुल गायब हो जाना चाहिए जब तक मिक्स करना है। आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना ये ओवर बीटिंग हो जाएगी। तो ये देखें हमें बैटर की इस कंसिस्टेंसी में लेके आना है कि ये रिबन की तरह नीचे गिरे। तो ये देखें हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रखेंगे। तो ये देखें मैं इसको यहाँ पर माइक्रोवेव में रख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर पावर 100 कर देना है, जो सबसे तेज़ पावर होती है माइक्रोवेव की उसमें करना है हमें। इसके बाद मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव किया था 5 मिनट के लिए। आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें, उसमें बेक हो जाएगा। यहाँ पर देखें 57 सेकंड बचे थे, इतने में मेरी ब्राउनी बेक हो गई थी अच्छे से। 57 सेकंड्स के अंदर पहले मेरी ब्राउनी बेक हो गई, मतलब 4 मिनट 13 सेकंड में मेरी ब्राउनी बेक हो गई। ये देखें मैंने टूथपिक इंसर्ट करके देखा तो ये बिल्कुल क्लीन आई है। आप भी ऐसे ही कुछ टाइमिंग रखिएगा, 5 मिनट से पहले, 4 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा। अगर ब्राउनी बेक हो गई हो तो निकाल लीजिएगा। इसके बाद ये अच्छे से बेक हो गई थी, जब ये गर्म थी इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला। अब ये ठंडे हो गई थी डिश तो हमने इसको निकाल लिया। हमारी ब्राउनी रेडी है, देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब यहाँ पर अपना हम क्विक सा चॉकलेट सॉस रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान चॉकलेट सॉस की रेसिपी है। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा 3 टेबल स्पून भरकर पाउडर शुगर। चीनी को ग्राइंडर में पाउडर कर लिया था मैंने सिंपली। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। चॉकलेट सॉस है तो कोको पाउडर तो जाएगा ही। इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमारे सॉस को गाढ़ा करेगा इसलिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल डालूंगा। आपने ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, बस ये हल्की सी एक सॉस में शाइन लाने के लिए होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा 4 टेबल स्पून दूध। दूध डालने के बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखेंगे अभी लम्स इसमें हो रहे थे हल्के हल्के, माइक्रोवेव करने के बाद सही हो जाएंगे ये लम्स। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। ये देखें हमारी सॉस अभी थोड़ी सी पतली लग रही होगी आपको। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाए।
तो देखिए 10 मिनट के बाद हमने इसको फ्रीज़र में से निकाला है। ये अभी इतनी गाढ़ी हुई है और गाढ़ी होगी ये बाद में, लेकिन मैंने अब यहाँ पर बस इतना रखा और उसको ब्राउनी के ऊपर डाल दिया। जब ब्राउनी ठंडी हो गई हो तो अब आपने जब डालना है, तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए ब्राउनी को छोड़ दिया था। उसके बाद हम फुली कवर कर देंगे चॉकलेट सॉस से अपनी ब्राउनी को। हमारी ज़रा सी चॉकलेट सॉस बच गई थी तो हम इसको साइड में रख देते हैं, अभी उसको काम आएगी। तो देखें ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, मैं आपको कटिंग करके दिखाऊँगा। तो देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, इतनी आसानी से हमारी नाइफ इसके अंदर चली गई, बहुत ही मज़े की लग रही है देखने में और बहुत ही आसान रेसिपी थी। मैंने यूं ही बना ली थी ये, कम से कम आधे पौन घंटे में रेडी हो गई थी आसानी से सॉस के साथ। तो ये देखें अंदर से भी बिल्कुल अच्छी बनी है, एयरी बनी है बिल्कुल। तो ये देखें हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद मैंने इसके साइडों में चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर दी थी थोड़ी सी, ताकि प्लेट में हमारी लुकिंग अच्छी आ जाए, गुड लुकिंग लगे हमारी प्लेट भी। तो देखिए हमने कर दिया, मैंने ऊपर से थोड़ी सी पाउडर शुगर भी छान कर डाल दी थी ताकि और खूबसूरत लगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है हमारी ब्राउनी। तो ये रेडी है। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारी वीडियोज़ का से देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।